चलिए सीधा रुख तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर। और बढ़िया बखूबी सेवावां इन्होंने निभाईयां ने आर्मी विच, सो संगत दर्शन कर रहे ने, मानयोग मुख्यमंत्री साहब स्टेज ते सज रहे ने, एक जयकारा बुलाओ जी, गवर्नर साहब संगत सन्मुख हाजिर हो गए ने, बोले सो निहाल। जय हिंद, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये क्षण, ये स्थान, ये वीर सपूतों की धरती, और जहां इकट्ठा होने का मकसद 400वें प्रकाश पर्व का ये दिन गुरु तेग बहादुर जी के इस आयोजन में, इस समागम में पूरा लगता है कि पूरी सृष्टि आ गई है। चारों तरफ केसरी का रंग, चारों तरफ उस बलिदानी, उस त्याग, उस मानवता और उस गुरुओं की सीख को साझा करने के लिए जो आप इकट्ठे हुए हैं, मैं कहूंगा कि ये क्षण भव्य है, दिव्य है और एकदम अलग है। इतनी संख्या में गुरु नानक नाम लेवा गुरुओं के पथ पर चलने वाले आप सब, आप सब पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को और पूरे भारत को जो संदेश दे रहे हैं ना, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। मैं उत्तराखंड की भूमि, देवभूमि से आया हूं। वहां पर गुरु नानक देव जी का, नानक बत्ता साहब, गुरु गोविंद सिंह जी का, हेमकुंड साहब और इतनी पवित्र भूमि, आज आप सबको देखकर जो नशा आ रहा है, एक उत्साह बढ़ रहा है, अपने आप में अलग है। अभी परसों ही जो लाल किले के प्रांगण के अंदर में 400 साल प्रकाश पर्व, 400 रागियों ने 400 रुपए का जो सिक्का, जो स्टैंप कमेमोरेट की, उसने अपने आप में पूरे विश्व में एक अलग संदेश दिया है। मैं तो कहूंगा कि ये जो बदलाव हम सब देख रहे हैं, ये जो गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग, जो उन्होंने बलिदानी दी, और किसके लिए बलिदानी दी, आप सबके लिए। जो गुरु नानक देव जी ने कहा था, सब कुछ तेरा, उसी जो पीरी का पाठ है, सब कुछ तेरा, उसी पर चलकर 9वें गुरु जी ने जो औरों के लिए, जो धर्म आस्था और राष्ट्र के लिए, जो समाज के लिए बलिदान दिया, वो अपने आप में अलग ही एक उदाहरण था। मैं कहूंगा कि गुरु जी का जो परिवार था, जो गुरुओं की सीख थी, वो खुद दादा, उनके पुत्र, उनके पोते, जो साहबजादों ने बलिदान दिया, वो अपने आप में अलग था। हमने देखा है कि कुछ तिथियां
कुछ अवसर जो हमारे सामने में आए ۲۰۱۹ ۹ نومبر گرپور کا دہاڑا اور کرتارپور کا لانگا کا کھلنا پچھلے سال ۹ نومبر گرپور کا دہاڑا اور فارم لاپس کے اوپر میں پنر وچار इस साल की 9 जनवरी को जो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा है वो अपने आप में अलग एक हिस्ट्री है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इन सब घोषणाओं ने, इन सब ऐतिहासिक घोषणाओं ने हम सब की आत्मा के ऊपर में जो एक इंपैक्ट, एक असर छोड़ा है वो अपने आप में एक अलग है। मैं तो कहूंगा कि आत्मा, हृदय और इमोशंस के दर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसके लिए तहे दिल से थैंक्स, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड, यानी कि धन्यवाद, प्रशंसा और आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो सिख धर्म और गुरुओं के प्रसार और प्रचार के अंदर में जो FCRA और जो लंगर का GST के बारे में डिसीजन लिया है वो अपने आप में एक अलग ही इतिहास बनाता है। मैं तो समूचे समाज की तरफ से, हर सिख की तरफ से भारतीय सरकार, पूरे राष्ट्र को, आप सबको, प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का हमको पर्व, उत्सव और समागम के लिए प्रेरित किया है। ये जो क्षण है इसके अंदर में हरेक जगह से जो श्रद्धालु आए हैं, हरेक प्रदेश से जो श्रद्धालु आए हैं, प्रदेशों से जो आए हैं, उनका ये प्यार है सिख धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस पर्व का आयोजन किया। आज आपको देखकर हरेक वीर सपूत की इस धरती के हरेक लीडर को देखकर, और जो पगड़ियां डाली हुई है ना आपने, उसमें एक अलग ही एक गर्व, अलग ही एक उत्साह दिखाई दे रहा है। मैं सच्चे बादशाह को ये दिन दिखाने के लिए, उनका मार्गदर्शन के लिए तहे दिल से नमन करता हूं। आखिर में वो तीन शब्द जो हमको महादेव, महाकाल, श्री अकाल और उसके साथ में जो सचखंड बसे निरंकार की जो भावना है, जो सत्य का आधार है, उसे जोड़ती हैं। आप सबको तहे दिल से, आत्मा की गहराइयों से सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। मानजोग लेफ्टिनेंट गवर्नर जड़े उत्तराखंड के गवर्नर ने सगरबीर सिंह जी, आप जी को मुखातब हो रहे सन, उन्होंने अपनी भावनावां का प्रगटावा किया है सतगुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में। मैं एक दो बेनती करके, बहुत जरूरी बेनती ने जड़िया आप जी नाल करनिया ने। मानयोग मुख्यमंत्री साहब जी के जीवन का
एक अलौकिक नजारा है, एडा वड्डा इकट्ठ है, बहुत बच्चे गुम हुए ने, कुछ बच्चे स्टाल ते बैठे ने जड़े गुम हुए ने, उन्हां दे माता पिता बच्चों नूं, चार बच्चे ने जड़े स्टाल ते बैठे ने पुलिस कोलों लै सकदे ने, स्टाल नंबर B4 है मेरे सुनदे होवोगे ते। सो मैं बेनती करांगा सत्कारयोग बाबा सिमर बहादुर जी जड़े बाबा बंदा बहादुर दे तिलक नगर तो आए ने, उन्होंने जी आया आखदा हरियाणा सिख उत्पंथक कमेटी वालों जथेदार बलजीत सिंह जी दादूवाल साहब प्रधान साहब जथेदार करनैल सिंह जी सीनियर मीत प्रधान स्वर्ण सिंह रतिया मीत प्रधान साहब अमरिंदर सिंह अरोड़ा यूथ प्रधान सतपाल सिंह जी पहोवा मैंबर हरभजन सिंह जी राठौर मैंबर साहब परविंदर सिंह जी बोहड़ माजरा साहब गुरप्रसाद साहब सिंह जी फरीदाबाद साहब गुरजीत सिंह जी औलख साहब बीबी बलजिंदर कौर जी मैंबर कैथल साहब नरवैल सिंह जी साहब सरबजीत सिंह जी सकत्र ये सारे आए ने सत्कार देना है। सत्कार जी बाबा मलकीत सिंह जी मगर नसरी जीरकपुर बाबा गुरपाल सिंह जी गुरद्वारा चोरबार साहब सारे हाजिर हुए ने सत्कार दे रहे हैं। बड़े अदब नाल बेनती करांगा आप जी नूं मानयोग प्रधानमंत्री साहब जी का संदेश है ना जो वो अज के समागम लिए जिन्होंने बड़े बड़े यतन किए ने और इतों पानीपत तो थोड़े मानयोग मैंबर पार्लीमेंट ने श्री संजय भाटिया जी और बड़ा उत्साह है उन्होंने मैनू नहीं लगता उन्होंने कोई पिंड या शहर छड़िया होवे हरियाणा का जिथे ना गए हो हर धार्मिक स्थान पर गए ने हर सिंह सभा को गए ने हर महापुरुषों के स्थान पर गए ने बेनती कर उन्होंने आप जी को मुखातिब होना और प्रधानमंत्री साहब का संदेश है वो आप जी साझा करना। मानयोग श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार उन्होंने आप जी संदेश साझा करेंगे। उस तो बाद जो अगला प्रोग्राम होएगा मैं पांच जकारे बुलावांगा संजय भाटिया जी को भी उत्साह मिलेगा मानयोग मुख्यमंत्री साहब लई उन्होंने लगातार कार्यशील रहे क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री साहब के नाते बड़ा माण ते फखर है। मैं जथेदार रवेल सिंह जी सुबीदो हरियाणा तो आए ने हाजिर होए ने जी आए आखदा जी मैं बेनती कर रहा सा बड़े अदब ते सत्कार दे नाल श्री संजय भाटिया जी आप जी प्रधानमंत्री साहब का संदेश साझा करेंगे। मैं पांच जकारे बुलावांगा पता लगेगा कि तुसी किन्ने प्यार ते श्रद्धा नाल सतगुरु तेग बहादुर साहब जी नूं अपनी अकीदत ते श्रद्धा भेट कर रहे हो। बोले सो निहाल स्टेज ते बैठी संगत ने भी जयकारे का जवाब देना है। बोले सो निहाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल। साडे विच पद्म श्री सर जगजीत सिंह जी चढ़दी कला दर्दी साहब बैठे ने टाइम टीवी के चेयरमैन ने उन्होंने भी बधाई क्योंकि लगातार सवेर तो चढ़दी कला टाइम टीवी GSPS और खास करके संगत वालों टीवी वालों इस सारा प्रसारण सीधा किया जा रहा है। बहुत सारे चैनल होर भी विखा रहे हैं सारे बहुत बहुत बधाई। मैं भाटिया साहब को बेनती करांगा उस संगत दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री साहब का संदेश आप जी पढ़ के सरपण करवाएंगे जी। एक जयकारा बुलाओ जी बोले सो निहाल धन्यवाद भगवान सिंह जी का जेड़े मंच का संचालन कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा परम पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी च हजारा लखां दे संख्या दे विच पहुंचियां संगतां अज दा दिहाड़ा पानीपत लई बड़ा इतिहासिक है। पानीपत वैसे भी इतिहासिक शहर है लेकिन अज दे दिहाड़े ने भी इहनूं होर जबरदस्त एक छाप एक पहचान अज जिस तरियां हिंद दी चादर मानवता दी चादर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व असी आज इतने वड्डे तरीके नाल अलौकिक समागम के रूप में मना रहे हैं। मैं समूह संगतां दा ते मंच ते बैठे हुए जितने भी संत महापुरुष दूरों दूरों पंजाब तो दिल्ली तो
सारे संगठन सारे राजनीतिक नुमाइंदे इत्थे आए ने। पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गल कही सी, चंडीगढ़ मीटिंग हुई सी कि समागम धार्मिक ही होना चाहिए। उस स्वरूप आज आई हुई संगता ने, छोटे छोटे बच्चों ने, बुजुर्गों ने और स्वरूप पूरा किया है। मैं सबनु जी आया नु कहना हाँ और तुहानु एक गल शेयर करना चाहना। पिछे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ सांसदों नु बुलाया सी नाश्ते ते, उन्होंने चर्चा की थी। जेड़े लोग मीटिंग खत्म हुई, मैनू माननीय मुख्यमंत्री का आदेश सी कि तुसी स्नेहा दे के आना है पानीपत वाले प्रोग्राम का। मैं उन्होंने प्रार्थना की थी, सारी मीटिंग खत्म होने तो बाद मैं उन्होंने कहा जी अब मेरी तो लोकसभा पैंदी है, लेकिन मैं स्नेहा माननीय मुख्यमंत्री वालों दे रहा कि तुसी पानीपत के प्रोग्राम में 24 नू आना। वो दो मिनट के लिए खड़े हो गए तो मैनू कहन लगे मेरा 24 का पहले तो प्रोग्राम जम्मू का तय है। पंचायत दिवस उन्होंने दसिया तो वह कहन लगे तुसी बड़ा चंगा काम कर रहे हो, मैं अपना संदेश जरूर देंगा। तो असी भी लाल किले के उत्ते केंद्र वालों एक प्रोग्राम मना रहे हैं जिनकी घोषणा उस दिन रात ने उन्होंने की। मैं ज़्यादा समा ना लेंदे हुए मैं उन्होंने संदेश सीधा सीधा तुहानू प्रेषित करना। तो इस संदेश तो बाद जिहड़ा लाल किले के उत्ते उन्होंने बोलिया गुरुआं लई वह भी दो चार मिनट लिए तुसी श्रवण स्क्रीन के उत्ते करोगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई। इस अवसर पर सभी गुरुओं को मेरा श्रद्धा पूर्वक नमन। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के लिए अनेक शुभकामनाएं। गत चार शताब्दियों में भारत का कोई भी कालखंड ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हो। उनका संपूर्ण जीवन हमारी गौरवशाली परंपरा के सम्मान और उसकी पहचान की रक्षा के लिए समर्पित रहा। दीन दुनियों दुखियों की रक्षा करने वाले और उनका संकट हरने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, तेग बहादुर सिमरिए घर नो निधि आवे धाई, सब थाई होवे सहाई। अर्थात गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण से ही सभी सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने हमें राष्ट्र सेवा व जीव सेवा का मार्ग दिखाया है और समानता, समरसता और त्याग का मंत्र दिया है। इन मंत्रों को खुद जीना और जन जन तक पहुंचाना ये हम सबका कर्तव्य है। ये सौभाग्य है कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का अवसर हमारी सरकार को मिला है। शहादत की अनूठी मिसाल कायम करने वाले साहबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा और करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण गुरु सेवा के लिए हमारी इसी प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। हमने गुरुओं के जीवन को देखकर जीवन की सार्थकता को सहजता से समझा जा सकता है। उनके जीवन में उच्चतम त्याग भी था, ज्ञान का प्रकाश भी था और आध्यात्मिक ऊंचाई भी थी। देश की सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से निरंतर पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। हमारे गुरुओं के मूल्यों एवं आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र अपने गौरव के शिखर तक पहुंचेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से 400वें प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी, ये संदेश उन्होंने स्वयं अपने हाथ से लिखकर गुरुओं जी के लिए, हम सब संगत के लिए शुभकामनाओं का संदेश भेजा है। मैं आप सब संगतों की तरफ से, पूरी हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के प्रत्येक
जनवासी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।